नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत चार दोषियों को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। राम रहीम को सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई गई। बताते चलें कि 11 जनवरी को अदालत ने इस मामले में राम रहीम को दोषी करार दिया था। फिलहाल राम रहीम दो महिलाओं के साथ रेप मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहे हैं। रेप मामले में 20 साल की सजा पूरी करने के बाद राम रहीम हत्या केस में मिली उम्र कैद की सजा काटेंगे। इससे पहले गुरमीत राम रहीम समेत तीन अन्य दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने पेश हुए। जज के सामने राम रहीम के वकील ने कम सजा की मांग की। वहीं पत्रकार के परिवार की तरफ से फांसी की मांग की गई थी। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी द्वारा लगाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाने की याचिका को हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। इसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई। इस बीच पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की बेटी श्रेयसी पहली बार मीडिया के सामने आई और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के लिए फांसी की सजा की मांग की। श्रेयसी ने कहा कि उनके परिवार ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और उनकी मां ने काफी कुछ झेला है। श्रेयसी ने कहा कि वो कोर्ट में रहकर देखना चाहती हैं कि जब गुरमीत राम रहीम को सजा का ऐलान किया जाए तो उस वक्त उसे कैसा लगता है। लेकिन अदालत में सिर्फ उनके भाई अंशुल छत्रपति को ही जाने की अनुमति दी गई। इसी के मद्देनजर सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय होने के चलते सिरसा में सिक्योरिटी पूरी टाइट रखी गई। सिरसा में पहले से ही हरियाणा पुलिस की 12 कंपनियां तैनात हैं और बुधवार को सीआरपीएफ की 2 कंपनियां और पहुंच गई। सिरसा में धारा 144 भी लगा दी गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।